जल्दबाजी स्कूटी से लिया हो इसने। चाचा मंगा रहे हैं और नींबू, क्योंकि रात को दोनों फूफो आएंगी, कुछ खाना वाना बनाएंगे। ये दोनों पबजी में लीन हुए बैठे हैं, दुनियादारी का नहीं पता है। नहीं सब पता है, सब पता है। सो गाइस, अली भाई जा रहे हैं बुलेट निकालने। अभी हमको ऑर्डर मिला है नींबू का, आज हमारे घर में बन रहा है चिकन और चिकन के और भी आइटम। ये आ गए अली भाई की चाबी, ये जल्दी में अली भाई तो देसी जुगाड़ कर रहे हैं। ये रहा यार, शिट मैन लेट हो गया यार। अब बुलेट में दिक्कत आ गई, ये हमेशा ऐसे ही करती आ रही है अली भाई बुलेट है। हाँ, अब पेट्रोल की चिंता नहीं है, पेट्रोल बहुत है इसमें, पेट्रोल तो बाहर तक आएगा थोड़ी देर में। या पेल नहीं पड़ रही है इसको, मैन फोर्स लगा रहे हैं ये अपना। लग गया, मुझे पता था। आलिम बहुत बढ़िया स्टार्ट करते हैं, ये एक्सपर्ट आदमी है यार आलिम। देखो आगे से किक मारते हुए देखूंगा, देखो ये पहले प्रेशर बना रहा है। देखा आलिम, बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। स्टार्ट नहीं हो रही क्या यार, पता नहीं क्या हो गया इसमें। अच्छा लगाओ ना चाबी, लगाओ इसे भी, तुम्हारा टच पसंद नहीं आ रहा है, अंदर जा रही ना। ये हमारा गांव का फाटक हमेशा ही बंद रहता है जब भी हम आते हैं। बुलेट दीवानी है इनकी, और इनसे तो खैर स्कूटी ही नहीं चल रही, स्कूटी में चाबी नहीं डल रही इनसे तो। अंदाजा मारो कितना, मुझे नहीं पता। हम देखते हैं पेट्रोल कितना है। दिख तो रहा है यहाँ पे, देख कर हिला, दिख तो रहा है, तो यार बहुत है, बहुत है। ये गाइस हमारे सुलेमान भाई भी आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। ट्रेन में लेट क्यों हो गया इतना, हम बिस्किट ले रहे थे आज। सो गाइस ये नान कटाई खाते हुए हमारे भाई लोग। आलिम नहीं खा रहा क्या? वेरी टेस्टी। अच्छा जी, बार बार खाएंगे, हम बार फिर जाइए। बहुत ज्यादा टेस्टी है गाइस ये। किस किस ने खाया है, किस किस का फेवरेट है, कमेंट में जरूर बताना। गाइस आसिम तो बहुत ज्यादा बिजी है अपने दुकान पे, क्योंकि उसके पापा भी नहीं है, उसके पापा दिल्ली गए, तो उसको अपने अकेले गाड़ी अकेले अपनी दुकान संभालनी पड़ रही है। तो अभी हम लोग बाद में मिलेंगे। कहाँ रह गए, आए क्यों नहीं अभी तक, पता नहीं भाई। चलो 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 चलो, लोग आ गए ढाबा, जो कि हम अक्सर आते थे, चाय नाश्ता करके जाएंगे यहाँ से। बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है क्योंकि उसकी क्लास लगी हुई है ऑनलाइन क्लास। कितने बजे से कितने बजे तक है? 5:30-6 बजे तक। अरे यार कोई बात नहीं बेटा, तू क्लास ले मजे से, टेंशन मत ले, तो हम तुझे नहीं बोलेंगे कि क्लास मत छोड़, तू क्लास ले भाई, ठीक है। आलिम पेमेंट कर दे। अरे नदीम भाई कैसे हो, खैरियत है भाई? ये हमारे नदीम भाई है, इन्होंने कल ही ढाबा खोला है, वरना हम बहुत पहले ढाबे पे आ जाते। और कुछ नहीं देना बस। यार आलिम अब तो स्कूटी चला ले, बाइक मैं चलाऊंगा, ठीक है। पास ही चाबी है, मैं तो स्कूटी पे आया। यार मेरे पास है नहीं चाबी भाई, स्कूटी की चाबी नहीं मिल रही है। उधर है क्या? अबे तो किधर रख दी तेरे भाई, भाई ना भाई मेरे हाथ में। अबे यार शिट, ये रही, ये क्या है, जैकेट है ये? ये तो बुलेट की जैकेट के जेब में रखी थी यार, फुल है इसकी, इसका मीटर खराब है यार, इसे ही करवाना पड़ेगा। ये तो मीटर खराब है, सही है, फुल पेट्रोल यार इसमें, तू टेंशन मत ले। पेट्रोल चेक कर ले भाई, देख गारंटी नहीं दे सकता मैं, है पेट्रोल बहुत है यार, मैंने चेक करा था। है बांध रहे हैं अली भाई, इनसे बांधना नहीं आता, जुगाड़ करके बांध लेंगे बस। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, खींच लूंगा मैं, खींच लूंगा, तू बांध ले बस। ये जल्दी बांधो, खाना खाने भी जाना। अबे दिखा दिखा, वे वे बांध दिया वसीम ने तो यार, बस वसीम भाई। तो गाइस बस बन गया है, कुछ ज्यादा खास भी नहीं बना। गाइस हम दावत में जा रहे हैं, मिलते हैं आपको खाना खा के। गाइस गांव के उड़द चावल खाने जा रहे हैं सब लोग, एक्साइटेड फॉर उड़द चावल। यस, बहुत दिनों के बाद। ग्रीन टी भी है क्या? ग्रीन टी है ये वाली, ग्रीन ये वाली है ना, ये वाली, ये तो ऐसे रोडों पे भी, रास्ते में भी लगी रहती है ना। नहीं ये वो वाली है। नहीं लग वैसी रही ना, ये रब कर, इसको पीने में बहुत मजा आता है। दिखा दिखा, देख कैसी आ रही है, मैं देखता हूँ। अरे हाँ यार वैसी आ रही है। और शरीफा का कौन सा है? ये वाला। अरे भाई देखो, शरीफा का भी पेड़ लगा हुआ है।
शरीफा भी आए हुए हैं अभी छोटे छोटे से। इतना बड़ा यार, इतना बड़ा अंजीर का पेड़ भी है गाइज। ये तेज पत्ता है देखिए, अच्छा ये खुद ही सूख जाता है क्या? ये बादाम का, मतलब क्या बादाम आएंगे उस पे? कौन सा वाला? ये वाला बादाम का पेड़। देखिए बहुत अच्छा ये गार्डन बना रखा है इन्होंने मसूद भाई, एकदम ग्रीनरी गाइस। देखिए बहुत अच्छा गार्डन है, मतलब रोज का भी है, रोज का भी प्लांट है, बादाम का भी प्लांट है, और तेज पत्ते का भी प्लांट है, शरीफे का भी प्लांट है, और बादाम का तो है, अंजीर का भी है, एगिब का भी है, और भी काफी सारे प्लांट है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छा नेचुरल एकदम यार, गांव का मजा एकदम, वो तो आप सबको मालूम ही है, बेहतरीन ही होता है गांव का मजा। पपीते का पेड़ भी है, ये देखिए गाइस, बैंगन का भी है, ऑलमोस्ट सारे हैं, सारी फेमस चीजें यहाँ सब लगी हुई है। खाके दिखा, धोके खाके दिखा, धोके अरे खा ले यार, खट्टा मीठा होता है ये। ये हमारे मौसूद भाई, इनका ये है एकदम बेहतरीन बना हुआ है यार, नेचुरल यार, मैं भी ऐसा बनवाऊंगा इंशाल्लाह अपने घर में। हल्दी का पेड़ भी है, तुलसी का पेड़ भी है, सब चीज के पेड़ है। अहमद इसकी वो खराब हो रही है, सही करा ले। स्कूटी सही चलाने लगा तू? जा जा जा। क्या खेल रहे हैं तुम? हम जुबन जुबाई खेल रहे हैं, अहमद को धप्पा कर दिया एक बार में। बच्चे हाइड एंड सीख खेल रहे हैं यार, इन्हें देख देख के हमारी बचपन की यादें ताजा हो गई। हम लोग भी खेलते थे, बहुत मजा आता था हाइड एंड सीख खेलने में यार। वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे यार। ए बकरुद्दीन यहाँ क्या करना है? अबे वो एलोवेरा खा रहा है भाई, पहाड़ी ने बचा लिया है। ओ पहाड़ी क्या कर रहा है? माउंटेन एलडीपी ने तो तेरा नंबर भी अमन माउंटेन के नाम से सेव कर रखा है। मैंने उसका नाम एलडीपी था कर रखा है। एलडीपी तो वो है ही। गाइस अबुजर मेरे बाल सही कर रहा है, मेरे बाल इतने ज्यादा बड़े हो रहे हैं कि यार अबुजर कह रहा है कि मैं आपके बालों से खेल लेता हूँ। क्या भाई खेल ले, बाल सेट कर दे अबुजर अच्छे से मेरे, मजा आ रहा है भाई। अली भैया अपना फोन छत से फेंको, टेस्ट करते हैं कितना मजबूत है, बड़े मजबूत समझते हो, फेंको इसे छत से फेंको। देखिए अली भाई की अभी हालत खराब होगी, बच्चे पता नहीं इनका क्या कर रहे हैं। ये जुल्फे कहाँ चला गया अबुजर, सही तो कर जा। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर रहा है अबुजर? छुट्टियां। तो गाइस बुर्ज खलीफा इंडिया में आया है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, विजिट करें। अरमान जो है चाय बना रहा है, इसको जजमेंट नहीं है क्या चीज कितनी डालनी चाहिए, तो उसको मैं जजमेंट दूंगा। तो हम शुरू करते हैं चाय बनाना। देखिए सबसे पहले छोटा पतीला लो, दूध ले लो थोड़ा सा, अब ले चीनी, पत्ती, चाय पत्ती, पत्ती लो, अब गैस ऑन करो। ओहो धीमी आंच पे पकाओ इसको कम से कम 10 मिनट के लिए, उसके बाद इसको अच्छे से कड़ाओ बेहतरीन, जब तक खुशबू नहीं आती ना चाय की, आहा की चाय बन रही है कहीं ना कहीं। कड़ी हुई चाय का मजा जो है ना भाई, बेस्ट मजा है भाई, बेस्ट मजा। आई लव चाय, और सर्दियों में तो चाय बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। सो गाइस जब भी मैं चाय बनाता हूँ तो मेरे मन से एक आवाज आती है जो कि मैं चाय बनाते हुए अक्सर गाता हूँ, है तो वो दो लाइन बट मेरी बहुत फेवरेट है, उनको रिपीट कर करके मेरे को मजा आता रहता है। तो वो लाइन है, मेरी चाय नवेली धूलन, मेरी चाय रो रो के आदि हो गई, मेरी चाय नवेली धूलन, मेरी चाय रो रो के आदि हो गई। अली चाय की खुशबू आ रही है, जल रही चाय तेरी पूरी। अरे जल नहीं रही हो, कड़ रही है यार, इन लोगों को पता नहीं है यार, चाय कड़ा के जो मजा है ना भाई, आ हा हा बेस्ट लेवल बोला। ये बहना क्या कर दिया रही तुमने चाय का, कैसी कर दी रे? अल्लाह बोल रहे हैं यार कि चाय का क्या कर दिया यार, मैं तो ऐसी पीता हूँ चाय मम्मी बना के, ये लोग जो घड़ी हुई चाय में जो मजा है भाई वो कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं। अली भाई क्या हो गए, तुम्हारी चाय से रो रो के आधी हो गई? अरे तो गाना मैंने जब ही तो बनाया है, चाय रो रो के आधी हो गई। सो गाइस अली भाई अब हम सबको चाय पलटेंगे, चाय सबको चाय पलटेंगे, सबके लिए चाय पलटेंगे।
मेरी चाय पी ली ना एक बार, फैन हो जाओगे। तो वही बनेगा ना MBA चाय वाला, मेडिकल वाला चाय वाला, मेडिकल चाय वाला। तो गाइस ये चाय बहुत मस्त हो रही है, आप भी पी के देखिए, बना के देखिए, ऐसी चाय मजा आ जाएगा। मेरी चाय न मेरी दुल्हन, मेरी चाय रो रो के आदि हो।